हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और हमारा छत्तीसगढ़िया जोहार। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारी शादी हो रही है और आज शादी का तीसरा दिन यानी बारात। तो अभी एकदम सुबह से ना बहुत गंदा मौसम बनाया था बारिश का, और अभी तो धूप कर दिया है तो चलो अच्छा है। और अभी उधर टेंट वगैरह लग रहा है और आज बारात का कार्यक्रम है, तो देखते हैं मौसम के हिसाब से अब जो भी प्रोग्राम है उसको मतलब करेंगे। अगर बारिश का मौसम होगा तो अगर देखते हैं जैसा भी सिचुएशन रहे, दिन में भी शादी हो सकता है और रात में भी, सिचुएशन के हिसाब से सब प्रोग्राम को सेट करेंगे। वैसे अभी कुछ फाइनल हो नहीं पाया है, तो चलिए दिखाता हूँ। और अभी तक मेरे को मेहंदी वगैरह भी नहीं लगा है, तो चलिए चलते हैं, मेहंदी लगवाता हूँ और भी दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है अभी घर में। तो ये देखिए, इधर विभिन्न बजे बजाने वाले खाना वाना खाने जा रहे हैं और इधर कुआं में कुछ कुछ काम चल ही रहा है। ये देखिए, अभी तो सब इधर उधर हो गए हैं, तो क्या ही बोले। चलो कहाँ चले? तो चलिए, अब मैं जा रहा हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। मेहंदी आ चुका है और मैं जा रहा हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, यहाँ पर लगा लीजिए। और दोस्तों, ये देखिए, इधर हम लोग को फिर से हल्दी लग रहा है। मेहंदी तो लग चुका है मेरे को और अभी हल्दी लग रहा है, और हल्दी लगने के बाद अभी डांस करेंगे और डांस कराएंगे हम लोगों को, क्योंकि लास्ट है। फिर हल्दी उतारेंगे, इसके बाद हल्दी उतारने के बाद नहाएंगे, नहाने वाला रस्म होगा। तो अभी हल्दी लग रहा है, इसके बाद डांस करेंगे, इसके बाद हल्दी उतारेंगे। तो दोस्तों, सारा कार्यक्रम चल रहा है घर में, डांस वांस कर रहे हैं आंगन में, और मेहमान आ रहे हैं, और इधर हमारे मैनेजर खाना के। तो अभी इधर खाना वाना बन रहा है, टेंट वेंट यहाँ पर लगा है। ये देखिए, इधर खाना वाना का व्यवस्था बना रहे हैं, ये देखिए, और इधर टेंट वगैरह लगा हुआ है, ये देखिए। इधर यहाँ पर टेंट के नीचे सब्जी वब्जी काट रहे हैं, देखिए। और टेंट तो पूरी लग चुका है और यहीं पर रात में खाना वाना होगा, क्योंकि घर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी क्योंकि घर में शादी होगा। तो देखिए, यहीं पर खाने का पूरा व्यवस्था किया गया है यहीं पर। और दोस्तों, अब जा रहे हैं हल्दी उतरवाने के लिए। उतारते हैं हल्दी को, 3 दिन तक हल्दी चढ़ाते हैं, फिर जिस दिन बारात रहता है ना लास्ट,
उस दिन हल्दी उतारते हैं, तो अभी वही कार्य होने वाला है। चलिए और दोस्तों ये देखिए इधर दीदी लाइव बोल रही हैं, तो दूल्हा की जितनी बहनें और दीदी होती हैं ना, सारे लोग लाइव बोलते हैं बारी बारी से, ये भी एक रस्म होता है। इधर दीदी लोग का लाइव ढूंढने का प्रक्रिया चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर। और दोस्तों डांस वांस पूरा हो गया सब, और ये देखिए अभी इधर मेरी वाइफ को नहलाने के लिए लाए हैं। तो यहाँ पर एक रस्म होता है कि दुल्हन का भाई छतरी और कुल्हाड़ी पकड़ करके ऐसे खड़ा रहता है और उसके ऊपर पानी डालते हैं नहलाने का स्टार्टिंग प्रोसेस। तो मेरी वाइफ का कोई भाई तो आए नहीं है, लेकिन उनके जगह पर ना मेरे जीजा जी ये देखिए भाई बन गए हैं, और अभी नहलाने का रस्म हो रहा है मेरी वाइफ को। ये देखिए मेरी वाइफ को पहले नहला रहे हैं, मेरे को अभी बहुत लेट में नहलाएंगे क्योंकि अभी बहुत समय है। तो दोस्तों अभी सारा प्रोग्राम चल रहा है, मतलब सारा कार्यक्रम चल रहा है, और अभी न्योता आए थे यहाँ पर भोले के घर में, गुदुम बाजा के साथ न्योता जाते हैं लेने के लिए। तो अभी चलिए, अब समय हो गया है, मेरी वाइफ तो इधर नहा ली और मैं अब जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या रस्म होता है चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। अब चप्पल देखिए दूल्हा का। अरे यार चप्पल ही नहीं मिल रहा है, मेरा चप्पल कोई और पहन के ले गया है। अरे है मेरे जीजा जी ढेढ़ा, चलिए मेरे को नहला। चलिए मेरे को नहलाइए जीजा, चल चलिए मेरे को नहलाइए। चल तो नहा ले भाई प्यारे। अरे घर को कपड़ा लेके आए के नहवाई हमरे। चल जा यार, करना हमारा काम है और बाकी मन समझी। ओवरलोड आप काहे ले लेते हैं, ओवरलोड। हाँ नहीं ना। तो ये देखिए जीजा जी क्या है ना, कि मेरे मेरे ससुराल वाले तो तैयारी नहीं है, तो अभी मेरे जीजा जी भाई बनेंगे मेरी पत्नी का। तो इधर तैयारी चल रहा है, ये देखिए चलिए चल रहा है सारा प्रोसेस। अबे मत छान ले, बस ले 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 पीते हमारा साथ। अरे यार, हो किस ना करता।
चलो आप नहाओ। अभी अब नहाने के लिए आए हैं अभी हम लोग, और मेरे दीदी लोग नहलाएंगे मेरे को। हाँ चलो कपड़ा पूरा खोल के इसमें घसो। बस अच्छे से ना भैया पंजाल में और दोस्तों मेरे को नहला करके ले आए हैं आंगन में, और ये देखिए अभी तैयार कर रहे हैं मेरे दीदी और जीजा लोग तैयार करेंगे अभी, ये देखिए। और गौतम भैया भी पीछे तैयार कर रहे हैं। मधु ला तो रे चुना बरान रे मन के ठीक करो मैं वही बारी का सुधार से का कालक दई के नंबर है की है इधर ढेर वो का पर्दा भी है ना ढेर बड़का ढेर खूब डांस करेंगे अभी तो कुछ बोलना चाहेंगे। हम लोग आए हैं यहाँ शादी में तो आप लोग कैसे हैं बताइए। सब ठीक है, कमेंट में बताना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। और इधर खाना पीना बन रहा है। तो दोस्तों आंगन में तैयार कर रहे थे, और अभी हम लोग फाइनली तैयार हो चुके हैं। और इधर देखिए मेरी वाइफ ये भी तैयार हो गई है, और अभी अचानक से प्लान बनाए हैं कि अभी बारात घुमाएंगे ऐसे करके। और पहले ऐसा कुछ मतलब प्रोग्राम सेट नहीं था, तो गाड़ी वाड़ी भी व्यवस्था नहीं है। देखते हैं करते हैं एकदम तत्काल में गाड़ी जुगाड़, तब तो ऐसे करके गाँव में बारात घूमेगा। और अभी डीजे भी आ रहा है, तो चलिए अभी घर का माहौल दिखाता हूँ क्या है कैसा है। तो ये देखिए, और ये भी मेरी वाइफ भी तैयार हो गई है, और भाभी लोग अभी बहुत लेट से पहुंच रहे हैं, क्या ही बोले। और ये देखिए सालू भी आ गई है इधर, ठीक है। और दोस्तों मैं पूरा तैयार हो गया, और बारात निकलने से पहले आंगन में देखिए कुछ रस्म होता है। माँ लोगों के, मामी लोगों के, बुआ लोगों के, चाची लोगों को गोदी में बैठ करके ये देखिए गुड़ खिलाते हैं छोटे बच्चे लोग जो कुंवारे होते हैं। पकड़िए पकड़िए ना।
बस धर ला, उलग दे उलग तो ऊपर ऊपर गगन में हाथ में अच्छा दे दोस्तों। अब जा रहे हैं हम लोग बारात, मतलब इसे गांव को घूमने के लिए निकल रहे हैं और चलिए दिखाते हैं।